हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं शिवांगी चौधरी। इस समय देश में त्योहार के साथ चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी वोकल फॉर लोकल पर जोर देते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषण और ट्वीट्स के जरिए देश में बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं। उनका मानना है कि अगर आम लोग अपने घरों के आसपास छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पर सामान बेचने वाले लोगों से सामान खरीदेंगे तो इससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए पीएम ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। इस बार आप अपनी दिवाली एक खास तरीके से अनुपमा के साथ मना सकते हैं। टीवी धारावाहिक अनुपमा की दुनिया दीवानी है। रूपाली गांगुली के इस कैरेक्टर को काफी पसंद किया जाता है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी अनुपमा के खास तरह से दिवाली मनाने के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी अनुपमा की तरह दिवाली मनाएगा, पीएम मोदी उसकी पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या खास है अनुपमा की दिवाली में। दरअसल ये वीडियो सरकार के दिवाली के त्योहार में भारतीय उत्पादों की खपत बढ़ाने और देश में बने प्रोडक्ट्स को गर्व से दुनिया को दिखाने से जुड़ा है। वीडियो में अनुपमा दिवाली की तैयारियों में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। बूंदी के लड्डू बनाते हुए वे अपने घरों में दिवाली की तैयारियों के बारे में सबको बता रही हैं। इसी के साथ वे लोगों को भारत की ताकत के बारे में भी बता रही हैं, जिसके पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो के आखिर में तारीफ करते नजर आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुपमा का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें आपको केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की झलक मिलेगी। इस वीडियो में अनुपमा घर की लाइटिंग से लेकर दिवाली पर पहने जाने वाले नए कपड़े जूते की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करती है। यहाँ तक कि उनका स्मार्टफोन भी भारत में ही बना है, जबकि खरीदारी का पेमेंट वो UPI से करती हैं। पीएम मोदी शेयर करेंगे आपकी सेल्फी। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में लोग अपने त्योहार अगर इस तरीके से मनाएंगे तो वो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को तरजीह देंगे। इसी के साथ आम लोग ऐसे प्रोडक्ट या कारीगर के साथ अपने सेल्फी को नमो ऐप पर शेयर कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट को वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।